नमस्कार, मंजू कैंटीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भरवा शिमला मिर्च। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दो तीन आलू को बॉईल कर लेंगे, एक प्याज, दो हरी मिर्च और धनिया पत्ती, इन सबको बारीक काट लेंगे। एक पैन गरम करेंगे, उसमें एक चम्मच सरसों का तेल डालकर हाफ टी स्पून जीरा तड़का लेंगे। अब कटे हुए हरी मिर्च और प्याज को भी डाल देंगे, थोड़ा भूनेंगे। स्वादा अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। मसालों को थोड़ा भून लेंगे। बॉइल्ड हुए आलू को मैश करके इसमें डाल देंगे, अच्छा मिलाएंगे, थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें कटे हुए धनिया पत्ती को भी डाल देंगे, सबको अच्छा मिला लेंगे। अब इस तैयार आलू के मसाले को हम ठंडा करेंगे। एक शिमला मिर्च को धोकर इस तरह से गोल गोल काट लेंगे। इसमें अगर ज्यादा बीज होगा तो उसको अलग कर देंगे। अब ठंडे किए हुए आलू के मसाले को इस कटे हुए शिमला मिर्च में दोनों तरफ से अच्छा दबा दबा कर भर देंगे। पैन को फिर से गर्म करेंगे, 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, उसमें भरे हुए शिमला मिर्च को इस तरह से फैला कर रख देंगे। ढक कर पकाएंगे, 2 मिनट बाद इसको उलट देंगे, फिर ढक देंगे। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर में इसको उलटते रहेंगे और ढक कर पकाएंगे। थोड़ी देर में इसका आलू अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा और शिमला मिर्च भी अच्छा पक जाएगा, रेडी हो जाएगा भरवा शिमला मिर्च। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इसको बनाइए, खाइए। थैंक्स।